आपका इस समय का पिक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा इस समय का पिक रहेगा यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड पे, यूबीएल पे। स्टॉक अपने 20 डेमा को आज अच्छे से सरपास करके 200 डेमा को रीगेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमने लास्ट टाइम भी देखा, दो बार इसने जरूर कोशिश की थी बट वो ब्रेकआउट्स फेल हुए थे। बट आज ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्टअप दिख रहा है यूबीएल में, और जिस हिसाब से ओवरऑल एफएमसीजी कंजम्पशन स्टॉक्स में एक रैली दिख रही है, हमें लगता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आता है, थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड जरूर है। अगर ये 200 डेमा अपना ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक फ्रेश नया मूव देखने मिल सकता है। 1465 का एक एसएल लगाकर 1520 और 1540 के टारगेट के लिए यूबीएल में खरीदारी की सलाह है। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज को रखिए रडार पे, खरीदारी करने का मन 2% के अपटिक के साथ। ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ, वैसे कई सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, कंज्यूमर फेसिंग स्टोरीज जो हैं, आज अच्छा मूव भारतीय बाजार में डिलीवर करती हुई। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी टॉप कॉल्स आ चुकी है इस समय की एक्सपायरी के दिन की। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एशियन पेंट्स, नालको और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जिसको जो अपने ऑर्डर्स पर रिएक्ट करता हुआ, इन सब में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्क करने की जरूरत है, एक एक करके उनकी बातचीत की शुरुआत करेंगे, उन स्टॉक्स को कवर करने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन, बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप आपको इस स्टॉक में होता हुआ नजर आएगा। टाटा कम्युनिकेशन इस समय वायदा में 5% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। इस पे मानस, जरा टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट खोलिएगा, बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बढ़ती हुई पिछले कुछ दिनों के साइडवेज, और आज का जो सेशन है बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। क्या करना है टाटा कम्युनिकेशन पे मानस? क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? इस जो आज फॉर्मेशंस बिल्डअप हो रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हो? तो देखिए, पिछले हफ्ते भी टाटा कम्युनिकेशन में मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था जब इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद हमने लगातार कंसोलिडेशन देखा, कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन आज तो बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट है, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1200 रुपए के ऊपर निकला है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और इनवर्स रेंज फॉलोअर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मेरा समझना है कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1174 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 1290 से लेकर 1300 रुपए तक के भाव आपको टाटा कम्युनिकेशन में आने वाले एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन रडार पर रखिएगा। और ऐसे ही एक और स्टॉक जिसमें बहुत बढ़िया बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है वो है एस्कॉर्ट्स का काउंटर। 5.5% के उछाल के साथ एस्कॉर्ट्स इस समय कामकाज करता हुआ। कल हमने एस्कॉर्ट्स में एक बढ़िया मूव आता हुआ देखा था, उसके ऊपर आज एक और अच्छा मूव एस्कॉर्ट्स में। तो इससे पहले बड़े सिग्निफिकेंट नॉक लिया इस स्टॉक ने एक दायरे में रहने के बाद, और अब एक सॉलिड रिकवरी आती हुई, कवरिंग रिलेटेड मूव्स आपको आपकी स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहे हैं, ना सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ। चतुर्मोता साहब, एस्कॉर्ट्स देखा आपने? खैर, कुछ देर बाद यतिन जुड़ेंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर बातचीत होगी, लेकिन एस्कॉर्ट्स क्योंकि अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे चेक ले लिया जाए। बिल्कुल आशीष जी, तो आज अच्छा बिल्डअप है, आज अच्छे वॉल्यूम्स भी है और स्टॉक ने करीब 2-3 दिन के अपने हाईस को क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग लेड मूव और बनेगा। 1760-1770 तक की ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर आती हुई नजर आती है स्कॉट्स के अंदर में, और मेरे हिसाब से 1690 के स्टॉप से एक लॉन्ग पोजिशन, फ्रेश लॉन्ग पोजिशन भी स्कॉट्स के अंदर में ली जा सकती है। स्कॉट्स रखिए रडार पे, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं कुछ।